गाइस, आज के इस वीडियो में इंस्टॉलेशन आपको दिखाने वाला हूँ और साथ ही रिव्यू करूंगा सीआर ड्रॉइड 7.0 जो कि एंड्रॉइड 11 बेस्ड एक रोम है और इस कस्टम रोम को हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं अपने डिवाइस एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 पे। तो एक बार आपको TWRP में आ जाना है। आपको नहीं पता यहाँ कैसे आना है तो चैनल पे वीडियो मैंने डाला हुआ, आप सर्च कर लेना, मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मेंशन कर दूंगा कि कैसे आप बूटलोडर अनलॉक कर सकते हो और TWRP इंस्टॉल कर सकते हो। अब एक बार आप TWRP में आ गए तो वहाँ आने के बाद आपको जाना है सिंपल वाइप के सेक्शन में। इसके बाद एडवांस वाइप पे आपको क्लिक करना है, मतलब टैप करना है, और यहाँ आपको डेल्विक आर्ट कैश डेटा सिस्टम और वेंडर, ये पांच पार्टीशन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में हम इनको वाइप कर देंगे। तो वाइप करने के लिए आपको सीधा स्वाइप कर देना है। मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे वाइप नहीं करने वाला। और इसके बाद में आपका फ़ोन पूरी तरह से वाइप हो जाएगा, आपको बैक आना है। और अभी आपको जाना है आपके फाइल पे, जो भी आप GF जहाँ भी आपने रखे हैं, मैजिस्ट है या फिर आपकी रोम जहाँ भी आपने रखी है उस लोकेशन पे। अब आप चाहें तो इसको SD कार्ड में रख सकते हैं, इंटरनल में रख सकते हैं या फिर OTG में भी रख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने SD कार्ड में और यहाँ पे आप देख सकते हैं CR Droid Android 11 7.0 वर्जन हमारा यहाँ पे है। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में स्वाइप टू फ्लैश कर देंगे। अब एक बार हमारी रोम फ्लैश हो जाए, इसमें 4 से 5 मिनट तक का समय लग सकता है, तो आप उसको फ्लैश हो जाने देना। फ्लैश होने के बाद में आपको कुछ बैक का ऑप्शन आएगा, एक बार बैक चले आना। एंड देन इसके बाद में आप देख सकते हैं GApps मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, GApps को भी हम उसी तरह से यहाँ पे फ्लैश कर देंगे। और मैजिस का आपका ऑप्शनल, अगर आप चाहते हो रूट करना तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वैसे इस रोम के अंदर मैंने मैजिस को इंस्टॉल किया है क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ी थी। वो भी आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, मतलब जहाँ पे रिव्यू दिखाने वाला हूँ इसी पार्ट में, वहाँ आपको बता दूंगा क्यों इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और जितनी भी फाइल्स मैं इस वीडियो में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, सारी फाइल्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से फाइल्स को आराम से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। और अब अपने डिवाइस को बूट कर लेते हैं और देखते हैं रिव्यू कैसा रहता है। तो गाइज अभी हमने अपने डिवाइस को बूट कर लिया है और अभी यहाँ मैं आ गया हूँ डिटेल्स के पेज पे। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो एंड्रॉइड वर्जन आप देख सकते हो, एंड्रॉइड 11 हमें इस रोम के अंदर मिल जाता है जो कि ठीक ठाक तरीके से काम करता है। और एंड्रॉइड 11 के जो भी फीचर्स होते हैं मैं इस पे बड़े आराम से यूज़ कर पा रहा हूँ, तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को लगी है। दूसरा बात करते हैं रोम के वर्जन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CR Droid वर्जन 7.0। तो वैसे सही कहूँ तो काफ़ी ठीक है, मतलब रोम के अंदर, और बाकी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी टाइम टू टाइम, आप देख सकते हो। इससे पहले वाला बिल्ट मैंने अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करने की कोशिश की थी, वहाँ पे मेरा डिवाइस स्टार्ट तो हो रहा था, बूट भी हो रहा था, लेकिन जैसे मैं डिवाइस को रिस्टार्ट देता था रोम अपने आप से फ़ोन से उड़ जाती थी और मेरा फ़ोन स्टक हो जाता था रिकवरी मोड में, या फिर कई बार एसुस का जो लोगो आता है वहाँ पे स्टक हो जाता था। लेकिन इसके साथ में वैसी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं सिक्योरिटी पैच की, तो आप सिक्योरिटी पैच देख सकते हो, आपको 5 नवंबर का देखने को मिलता है। इसका मतलब इसको ठीक ठाक तरीके से मेंटेन किया जा रहा है और लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। वेंडर सिक्योरिटी पैच लेवल, वैसे आपसे पहले ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी 5 सितंबर का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप सीधा नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो टास्क मास्टर, तो ये इसका कर्नल है जो कि मुझे इतना ज़्यादा ठीक नहीं लगा है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके साथ में मुझे इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिली हैं, इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला है। मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आप स्टारडस्ट या फिर TRB कर्नल कोई डाल लो अपने फ़ोन में, वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा इस डिफ़ॉल्ट कर्नल के मुकाबले। अब बात करते हैं वहीं पे प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन की, तो आप देख सकते हैं डिवाइस इज सर्टिफाइड। तो भाई ये डिवाइस सच कहूँ सर्टिफाइड आपको नहीं मिलेगा जब आप इस रोम को इंस्टॉल करोगे। मैंने मैजिस्क का यूज़ करके इसको सर्टिफाइड यहाँ पे किया है, तो आप भी मैजिस के थ्रू कर सकते हैं। कैसे करना है वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, आप उस वीडियो में देखकर अपने डिवाइस को सर्टिफाइड बना सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको सर्टिफाइड नहीं मिलता है। सेफ्टी नेट टेस्ट अभी कर लेते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो स्टेटस आपको पास दिखता है जिसमें आपका बेसिक इंटीग्रिटी सक्सेस और CTS प्रोफाइल मैच दोनों सक्सेस हैं। फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा ये चीज़ ऐसी नहीं थी, यहाँ पे रिजल्ट फेल आ रहा था, मैंने इसको मैजिस के थ्रू किया है और वीडियो बहुत जल्द आप देख पाओगे कैसे आप कर सकते हो किसी भी डिवाइस पे। और अभी जब मैंने यहाँ पे इसके सारे जितने भी सिग्नेचर होते हैं उनको वेरीफाई कर लिया है, बेसिक इंटीग्रिटी CTS प्रोफाइल मैच सबको मैंने बाईपास कर लिया है, तो इसके बाद में अभी मैं अपनी जितनी भी बैंकिंग ऐप्स वगैरह हैं वो सब अपने डिवाइस पे यूज़ कर पा रहा हूँ, पेमेंट ऐप्स हैं वो सब भी यूज़ कर पा रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं भीम यूज़ कर रहा हूँ, इसके अलावा नीचे चलेंगे तो मैं पेजैप वगैरह भी यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप पेजैप देख सकते हो, पेटीएम देख सकते हो, इसके अलावा गूगल पे है और मेरा यूनियन मोबाइल एप्लीकेशन है, मतलब काफ़ी सारी बैंकिंग एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ, सारी अच्छे से काम कर रही हैं, मुझे किसी में भी किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है।
DRM इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सिक्योरिटी लेवल आप देख सकते हो L3 का मिलता है, जो कि ज़्यादातर रोम्स में L3 ही देखने को मिलता है। और मतलब तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप अपना जो OTT प्लेटफॉर्म होते हैं काफ़ी सारे, उनका कंटेंट सिर्फ SD में ब्राउज़ कर पाओगे, HD में ब्राउज़ नहीं कर पाओगे, लेकिन इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ोन के साथ में इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चाहे यहीं क्यों ना हो। और अब आ जाते हैं सिक्योरिटी के सेक्शन में, और यहाँ पे देख लेते हैं, आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है और दोनों ही काफ़ी अच्छे से काम भी करते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों को ट्राई किया है, फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा क्विक है और अच्छे से काम कर देता है। वैसे क्विक विक का मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस चीज़ें काम करनी चाहिए। आखिर ऐसा तो नहीं है कि 10 सेकंड बाद आपका लॉक खुलेगा, 1-1.5 सेकंड में आराम से खुल जाए, तो मुझे उसके साथ में कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। और बात करें फेस अनलॉक के, तो फेस अनलॉक काफ़ी अच्छे से काम करता है, वो मुझे कोई शिकायत किसी तरह की नहीं देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा टू API हमें इस रोम के अंदर भी इनेबल मिलता है, जो कि मैंने पहले कभी इनेबल किया था तब से इनेबल ही मिलता है मुझे हर जगह पे। तो यहाँ पे आप गूगल कैमरा का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और मैंने इसके साथ में गूगल कैमरा और TR कैमरा ट्राई किया था, काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। बाय द वे, अगर आपने गूगल कैमरा 7.6 और TR कैमरा पे वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आप देख सकते हो, चैनल पे आपको मिल जाएगी। और वहीं बात करते हैं इसके डिफॉल्ट कैमरा की, तो डिफॉल्ट कैमरा भी ठीक से काम करता है, वीडियोस आप शूट कर सकते हो, फोटोज आप ले सकते हो, तो डिफॉल्ट कैमरा के साथ में कोई भी इशू में देखने को नहीं मिलता। हाँ, फीचर्स हमेशा की तरह जैसे डिफॉल्ट कैमरा में कम होते हैं, उतने ही कम फीचर में मिलते हैं, लेकिन जो भी है काम करते हैं। और अब बात कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल मेरी डिवाइस के अंदर 6 GB की रैम है, जिसमें से 2.9 GB अभी पिछले 3 घंटे की अगर मैं बात करता हूँ तो यूज़ हुई थी, उसके अलावा बाकी की जो 3.1 है वो फ्री पड़ी है। तो मैंने इतना कोई प्रोसेस तो नहीं किया, और सही कहूँ तो 3 घंटे पहले तो मैं सोया हुआ था, डिवाइस में ऐसा कोई काम कर भी नहीं रहा था। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है रैम मैनेजमेंट को लेकर के, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 1.5-2 GB तक होता तो ज़्यादा अच्छा होता, और मैंने पुराने कुछ रोम्स में देखा भी है इस चीज़ को, इसीलिए बता रहा हूँ। तो काम चला सकते हो आप इसके साथ में, लेकिन अच्छा तो मैं इसको बिल्कुल नहीं कहने वाला, 50-50 है। और अब बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की, तो भाई देखो साउंड क्वालिटी के बारे में इतना कहना चाहूंगा, मुझे मजा नहीं आया इस रोम के अंदर, क्योंकि आपको बेस ना उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ ट्रैवल मिलती है। जैसे कभी को एंड्रॉइड के 10 के बीटा आए थे ना हम लोग के, तो जैसी उसमें आवाज़ थी काफ़ी हद तक उसी की जैसी है, मतलब उतनी ख़राब तो नहीं है, लेकिन हाँ मज़ा नहीं आता साउंड को। आप चाहे बात कर लो ईयरफोन की, हेडफोन की, ब्लूटूथ पे आप बात कर लो, या फिर वायर्ड के साथ में बात कर लो, या फिर इसके डिफॉल्ट स्पीकर की, इवन कॉलिंग पे भी आप करोगे ना तो आपको आवाज़ ऐसे कानों में ना चुभने वाली सी आती है, एकदम स्मूथ आवाज़ जैसी होनी चाहिए वैसी हमें नहीं मिलती, एकदम सॉफ्ट आवाज़, वो चीज़ इसके अंदर से पूरी तरह से मिसिंग है। तो साउंड में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया है, और मैं जल्दी से जल्दी चाहता हूँ इस रोम को स्विच कर दूँ, किसी दूसरे रोम के साथ में रिप्लेस कर दूँ, ताकि मुझे इसके साउंड से छुटकारा मिले। आप चाहो फिक्स वगैरह कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा ठीक नहीं है। और एक बार सैंपल भी आप लोग देख लो। तो अभी आपने साउंड देखा कैसा है, साउंड भी काफी ज्यादा लो है पहले के मुकाबले, तो मुझे साउंड में मजा नहीं आया, यहां पे कोई रेटिंग नहीं। और नेक्स्ट चीज़ की बात कर ले, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने कनेक्टिविटी की या फिर कॉलिंग वगैरह की। तो यहाँ पे आपको वॉल्टी का सपोर्ट देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छे से काम करता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं वाईफाई कॉलिंग की, तो उसका सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। वैसे मैं ज़्यादातर उसको ऑफ ही रखता हूँ, क्योंकि उसके बिना भी वॉल्टी पे काफ़ी अच्छी कॉलिंग हो जाती है, और मुझे इतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी होता है जब नेटवर्क में इशू चल रहा होता है तब मैं उसको ऑन कर लेता हूँ, वैसे आप चाहो तो उसको ऑन भी रख सकते हो। और सिग्नल और वाईफाई स्ट्रेंथ की बात करें, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो वाईफाई में मेरे लगभग, अगर बार्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 होते हैं, लगभग 2 मुझे अभी दिख रहे हैं। तो वाईफाई स्ट्रेंथ हाँ मैं कहूँगा थोड़ी सी कम है, लेकिन इसके साथ में कोई इशू हमें देखने को नहीं मिलता है, मतलब ठीक ठाक काम करता है। मैं इसको घर के किसी भी कोने में लेके चला हूँ तो वहाँ कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन जब तक कनेक्ट रहता है ना तब तक आपको स्पीड में कोई इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक ठाक काम करता है। लेकिन हाँ स्ट्रेंथ तो थोड़ी सी कम है, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। और अब बात कर लेते हैं चार्जिंग टाइम की और बैटरी बैकअप की। तो देखो सबसे पहले चार्जिंग टाइम के बारे में आपको बता दूं, चार्जिंग टाइम में मुझे कोई ज़्यादा डिले नहीं देखने को मिला है, नॉर्मल सा वही 3.5-4 घंटे के करीब लगता है, और इसको मैं ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर में इतना ज़्यादा भसड़ मचा के रखते हैं ना कि हर बार चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, तो एक एवरेज टाइम मिल जाता है। थोड़ा बहुत 1/2 घंटे के आसपास डिले हो जाता है आपको वो देखने को मिल सकता है, वो भी इसके कर्नल की वजह से हो सकता है, क्योंकि कर्नल में और भी काफ़ी सारे इशू हैं। कई बार इसका UI स्टॉक हो जाता है, कई बार ऐप जो है वो फ्रीज हो जाते हैं, कई बार ऐप जो है अचानक से स्टॉप हो जाते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो वो कर्नल का इशू है। अगर आप कर्नल रिप्लेस कर लोगे तो आई एम श्योर आपको चार्जिंग भी थोड़ी सी और बेहतर देखने को मिलेगी, हो सकता है वो 3 घंटे के आसपास तक चार्जिंग आ जाए। अभी 3.5 घंटे उससे ऊपर का थोड़ा सा समय आपको देखने को मिलता है,
इसको चार्ज करने के लिए। वहीं बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप के साथ में मुझे कोई इशू नहीं मिला है। भरपूर बैटरी बैकअप जैसा मुझे अब तक सारे रोम्स में मिलता आया है या फिर स्टॉक में भी मिलता था, वैसा ही मुझे यहाँ पे भी देखने को मिलता है। रिजल्ट्स आप देख सकते हो। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो लगभग 10 घंटे का एवरेज टाइम ये दिखा रहा है। कंबाइन यूज़ की बात करें तो लगभग 21 घंटे का, यानी कि मेरी बैटरी सुबह चार्ज करो रात तक आराम से चलेगी। और बल्कि जिस टाइम मैंने सुबह यूज़ करना शुरू किया था ना, तब तक भी बैटरी 15-20% आराम से मेरे फ़ोन में बच जाती है कई बार। और भाई बात करें गेमिंग की, तो आजकल मैं करता नहीं हूँ, पबजी के वापस आने का इंतजार है। लेकिन हाँ, बीच में मैंने फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी खेला था, अच्छे से काम कर रहा था। और हीटिंग की बात करूँ, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया तो हीटिंग का पता नहीं चलता आजकल, तो फ़ोन हीट तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर कभी हीट हुआ तो आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल फ़ोन हीट नहीं हो रहा है। और गेमिंग ठीक ठाक हो रही है, आपको गेमिंग के अंदर कोई ज़्यादा मुश्किलें नहीं है। थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप वगैरह तो आपको देखने को मिल जाता है कभी कभी, क्योंकि अभी ये डिवाइस 2 साल पुराना हो चुका है और जो सॉफ्टवेयर है ना, वो नए प्रोसेसर के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ किया गया है गेम वगैरह। तो हाँ, आपको ये छोटी सी शिकायत इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो भाई ये हो गई सारी अच्छी बुरी चीज़ें, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स की जो आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और अब वो कमाल की चीज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में आप अक्सर मुझसे पूछते हो कि भाई है या नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कॉल रिकॉर्डिंग की। तो आप नीचे की तरफ देख सकते हो, ऑटो कॉल रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप इसका जो भी अपना क्या कहते हैं फॉर्मेट चाहो वो रख सकते हो, किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग इसके अंदर सपोर्ट है। कहीं अगर मुझे डाउनसाइड लगी है तो वो है, एक तो कर्नल जो एप्स को ठीक से चलने नहीं देता है, और दूसरा है इसका साउंड जो कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन फीचर के मामले में बात करें तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग एकदम बेस्ट फीचर है, जो ज़्यादातर रोम्स के अंदर हमें देखने को अभी तक नहीं मिला था। उसी के अलावा बात करते हैं सेटिंग्स में, तो सी आर ड्रॉइड के अंदर आपको दुनिया भर की सेटिंग्स मिल जाएंगी। सारी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मोटा मोटा आपको बताता हूँ। सारा बताने लगा तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा, अभी भी ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। तो स्टेटस बार अपना और आइकन्स अगर कस्टमाइज़ करने हैं तो आपको यहाँ दुनिया भर की सेटिंग्स मिल जाएंगी, वो आप कर सकते हो। क्लॉक एंड डेट भी आपको मिलती है, नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर भी आपको मिल जाता है, आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हो। मैं इनेबल करके रखता हूँ, मुझे काफ़ी कूल लगता है। और 4G आइकन वगैरह आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। वॉल्ट आइकन का साइज छोटा बड़ा करना चाहते हो, किस तरह का यहाँ पे डिज़ाइन रखना चाहते हो वो सब कर सकते हो। बैटरी स्टाइल कैसा होना चाहिए वो भी आपको मिल जाता है, बैटरी बार कैसा रखना चाहते हो वो भी। डबल टैप टू स्लीप, ऑटो ब्राइटनेस, क्विक पुल डाउन जैसी सारी सभी सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा क्विक सेटिंग्स की बात करें, यानी कि आपके जो क्विक टॉगल्स जिनको आप बुलाते हैं, तो इनको भी आप दुनिया भर की कस्टमाइजेशन दे सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप चाहो इनके कलर वगैरह भी बहुत आराम से चेंज कर सकते हो, साइज़ बढ़ा सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो, और अलग अलग डिज़ाइन भी इनको दे सकते हो। वहीं बात करते हैं लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स की, तो लॉक स्क्रीन में आप देख सकते हो, लॉक स्क्रीन को भी आप काफ़ी अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हो। वेदर लगा सकते हो, लॉक आइकन लगा सकते हो, स्टेटस बार में क्या कुछ दिखना चाहिए लॉक स्क्रीन के टाइम पे वो, और अपने MP3 या म्यूज़िक वगैरह चलाते समय आपको कवर आर्ट शो हो या ना हो वो सब। चार्जिंग एनिमेशन, बैटरी इन्फॉर्मेशन, टैप टू स्लीप, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, पावर मेन्यू, पावर और सिक्योर पावर मेन्यू, और क्विक सेटिंग्स में दुनिया भर की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसी के अलावा चलते हैं नेविगेशन में, तो आप देख सकते हो नेविगेशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। वैसे आपको जो नॉर्मली एंड्रॉइड की सेटिंग में नेविगेशन देखने को मिलता है वो इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको यहाँ से आकर के सिस्टम नेविगेशन को चेंज करना पड़ेगा, तब आप एंड्रॉइड 11 के या फिर एंड्रॉइड 10 के या फिर एंड्रॉइड 9 के जो भी जेस्चर्स होते हैं उनको अपने डिवाइस पे इस्तेमाल कर पाओगे। सेटिंग में ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलने वाला, वहाँ दिया ही नहीं गया है। इसके अलावा बात करते हैं बटन्स की, तो आप बटन्स को भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सकते हो कि किस बटन से क्या हो। स्क्रीनशॉट टाइप भी आपको डिफरेंट टाइप के देखने को मिल जाते हैं, 3-finger स्क्रीनशॉट का सपोर्ट भी मिलता है, कस्टमाइज स्क्रीनशॉट का सपोर्ट भी मिलता है, वेक डिवाइस, आंसर कॉल, प्लेबैक कंट्रोल, मतलब जितने भी फीचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना किसी भी एक अच्छी कस्टमाइज रोम से, वो सारे इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं यूजर इंटरफेस की बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। वेदर सर्विस आपको मिल जाती है कि कौन सी वेदर सर्विस आपको रखनी है, गूगल वगैरह की है, वो सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन सेटिंग्स आप देख सकते हो, तो भाई यहाँ पे भी बहुत सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं। साउंड की बात करें, साउंड में हालांकि इन्होंने काफ़ी कुछ दिया है, लेकिन जब साउंड ही अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे साउंड के फीचर्स का। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करना, तो वो भी आप कर सकते हो कस्टमाइज़ अपने हिसाब से। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस सेटिंग्स हैं, जहाँ पे आप CPU की इन्फॉर्मेशन को अपने डिस्प्ले पे शो करा सकते हो। गेमिंग मोड भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हो इसके साथ में तो कर सकते हो। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट जैसा मैंने बताया वो भी आपको मिल जाता है। पॉकेट डिटेक्शन, आपका डिवाइस डिटेक्ट करता रहेगा कब तक आपके पॉकेट में रखा हुआ है, और आपकी स्क्रीन जो रहेगी वो ब्लॉक रहेगी, स्क्रीन को ऑन नहीं होने देगा। इसके अलावा लास्ट सेक्शन आता है अबाउट सी आर ड्रॉइड का, तो यहाँ पे जो भी डेवलपर्स हैं, जो भी इसके मोडर्स हैं, उन सबका आपको क्रेडिट या फिर जो भी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं वो देखने को मिल जाएगा। और इसी तरह की है हमारी कुछ सी आर ड्रॉइड रोम। तो बस दोस्तों, यही था आज के इस वीडियो में सारे फीचर्स। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने बता दिए क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं, वो भी मैंने आपको बता दी है। डाउनलोड लिंक वीडियो की जितनी भी फाइल्स मैंने बताई थी सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना।
बेल आइकन प्रेस करना। मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।